చూసి వచ్చేసా. हे गाइज वेलकम बैक विद अनदर रिएक्शन वीडियो. कैसे हो आप सारे? आई होप आप सारे बहुत ज्यादा अच्छे हो गए. तो गाइज आपके लिए खुशखबरी है कि गोपीचंद की न्यू मूवी जो आ रही है पक्का कमर्शियल, उसका टीजर आज इन्होंने लॉन्च कर दिया. तो उसके टीजर के ऊपर आज हम रिएक्शन करेंगे. और इनके साथ जो मूवी के अंदर एक्ट्रेस है उनका नाम है राशि खन्ना. तो राशि खन्ना को मैंने कभी मतलब देखा नहीं, मतलब तो मेरे को इतना पता नहीं है उनके बारे में. बट लेकिन हाँ, गोपीचंद जी की मैंने बहुत सारी मूवीज़ देख रखी है, वो भी डब में देखी है वैसे. बट लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि इस टीज़र को और इसके अंदर मूवी के अंदर क्या होगा, क्या नहीं होगा, कितना फन होगा. क्योंकि गोपीचंद एक ऐसे एक्टर हैं जिनकी एक्टिंग यार मतलब एक्टिंग लगती ही नहीं है. एक्टिंग नहीं लगती, मतलब रियल में हो रहा है ऐसा लगता है उनकी एक्ट देख के. तो बाकी करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके जरूर बताना. और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. यूज ईयरफोन्स फॉर बेटर एक्सपीरियंस. ఎవరికి చూపిస్తున్నారు సార్ మీ విలనిజం? మీరు ఇప్పుడు చేస్తున్నారు ఇప్పుడు చేసి చూసి వచ్చేసారు. అలాగే నా హీరోయిజం ఒక ఆరా ఉంటుంది, కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే ఆరా నుంచి ఒక ఆర్ఆర్ వినిపిస్తుంది. ఇమాజిన్ చేసి చూసుకోండి, కిక్ క్యాష్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ పెట్టకూడదు, ఇలా పెట్టాలి. గోపీచంద్ తో బడి మజా మే రతా హై బేగా చోలి కమర్షియల్ క్యా బాత్ హై. మతలబ్ గోపీచంద్ నీ రుకనే వాలే కమింగ్ ఇన్ థియేటర్ సూన. तो बहुत ही जल्दी ये मूवी आ जाएगी, हमारे को देखने को मिल जाएगी. बट लेकिन यार गोपीचंद का क्या ही कहूँ, मतलब इनकी जो एक्टिंग है ना बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, एक मज़ा है उनकी एक्टिंग के अंदर. मतलब उनको देखते ना एक अलग सी वाइब्स आती है और मतलब कि बंदा खुश हो जाता है उनकी एक्टिंग. बेशक वो मतलब कोई विलन जैसे किरदार भी करे हो ना उन्होंने, भाई वो भी इतने सही लगते हैं उनके. और ये जो भी इसके अंदर इन्होंने भाई जो मारा ना उनको, क्या ही मारा है. इतने अच्छे अच्छे शॉर्ट्स डाले इसके. और ये जो इंडस्ट्री है इतना अच्छा कंटेंट लेके आती है, हमेशा कुछ डिफरेंट होता है. बट इसको मेरे को भी देख के इतना कुछ समझ नहीं आया, सच्ची बताऊँ तो मुझे समझ नहीं आया कि इस मूवी के अंदर क्या होगा. वो हमारे लिए इन्होंने सस्पेंस छोड़ दिया है कि यार मूवी के अंदर क्या होगा. टीजर तो बहुत ही बढ़िया लगा फाइटिंग सीन्स देख के. और बाकी वो राशि खन्ना जी काफ़ी सुंदर लग रही थी, उनका एक्ट भी बड़ा प्यारा लगा. जो वो कहती है कि तुम्हारे को ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, तो वो भी बड़ा अच्छा लग रहा था. और हिंदी में जब आएगी तो मैं तो हिंदी में देखूंगा इसको, तब मेरे को ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि ऐसे मेरे को समझ नहीं आता. बट लेकिन हाँ, एक्सप्रेशन तो फील हो जाते, बंदे को पता लग जाता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा. बाकी आप कमेंट करके बताना कि आपको इसमें से क्या क्या सीन अच्छे लगे. तो मुझे तो बहुत सारे अच्छे सीन लगे इसके अंदर. जैसे वो फाइटिंग सीन था, वो बोला भाई जो एक बार ही मारते तो सारे चारों पाँचों एक बार में उड़ उड़ के गिरने लग जाते गुलाटियाँ खा के. और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम ऐसी और भी रिएक्शन वीडियो लेके आते रहते हैं. बस आप हमारे साथ बने रहा करो. तो जब आप मेरे साथ बने रहोगे ना तो मैं ऐसी वीडियो लेके आता रहूँगा. और आप कमेंट करके बता सकते हो मेरे को कि आपको और कौन कौन से सॉन्ग या फिर ट्रेलर के ऊपर रिएक्शन देखने हैं, उनके ऊपर बहुत जल्दी रिएक्शन लेके आएंगे. तो मिलेंगे आपको और किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना. बाय बाय, टेक केयर, रब रखा.